को आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है सबको? पार्टिसिपेट्स है, आवाज नहीं आ रही। मैम आ रही है। अच्छा, आप लोगों ने जो कहा है कि प्रेजेंटेशंस देनी है, उसके अंदर आप लोगों ने कहा है कि उसमें टॉपिक्स जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स है, डायबिटीज लिखा हुआ था, और उसके अलावा लिखा हुआ था कि जो है वो थायराइड, पैराथायराइड भी था ना, पैराथायराइड था, थायराइड था, और स्किन डिसऑर्डर्स लिखे हुए थे। स्किन डिसऑर्डर्स क्यों आप लोगों ने सजेस्ट किया? नहीं स्किन डिसऑर्डर्स तो आपके उसमें नहीं है, मतलब स्किन डिसऑर्डर्स में तो फिर वो पैथोलॉजी का आ जाता है कि उसमें क्या, या तो आप चाह रहे हैं कि जी एक दफा देख लें कि एक्जिमा क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या होता है, क्या चीज उसमें, स्किन डिसऑर्डर्स क्यों लिखा है किसी ने? रीजन जो, अच्छा थायराइड चले वो थायराइड का ठीक है, जो थायराइड देगा वो फिर पैराथायराइड भी देगा, क्योंकि थायराइड जो है वो छोटा सा ही पैराथायराइड टॉपिक हो गया, इतना कोई बड़ा नहीं है उसके अंदर। और मैं जरा देख लूँ कि वो आपके सिलेबस में है। आज हम जो पढ़ेंगे वो है एंटीवायरल ड्रग्स, ठीक है? उनका ज्यादातर ये आना चाहिए, ये वायरस जिस तरह अटैक करता है उसका पूरा साइकिल। आज है, वालेकुम सलाम। स्टूडेंट्स यहाँ पर है ना, वो अपनी अटेंडेंस लिख कर दे दे साथ, कि वो फिर रिकॉर्ड में नहीं आएगा ना। आप हॉस्टल आइट से? अच्छा, अगर वैक्सीनेशन करवा लिए एक डोज भी तो वो आ तो सकता है, क्योंकि बाकी उसके लिए आ रहा है। तो अच्छा, एंटीवायरल एजेंट्स, मैम वायर असाइनमेंट आप जो हम लोगों ने सबमिशन देनी है वो, मतलब मैं कल जो ऑफिस आया था, ऑफिस में आप नहीं थे, तो वो कब हम लोग सबमिट करवा सकते हैं? मंडे को करवा सकते हैं क्या मसला हो गया आपके असाइनमेंट को? मैम? सबमिशन देनी थी ना, तो मैं कल भी ऑफिस आया था, कल आप ऑफिस में नहीं थे, तो मंडे को आप ऑफिस में होंगे? मुझे ऑफिस वाली तो मिल गई है, आप ईमेल कर दो। अगर आपने बाय हैंड देनी है तो फिर दे दो मंडे को, लेकिन ईमेल कर दो आप। मैम मैंने वो बाय हैंड सोच रहा था कि पकड़ा दूँ। वैसे मैंने LMS पे आई थिंक अपलोड कर दी है, बट वो अब कह रहे हैं कि LMS पे कोई इश्यू हो रहा था, तो मैम ने कहा हैंड जो ऑन हैंड देनी है, तो मैं इसलिए कह रहा था बाय हैंड दे दो आपको। ओके चलो, आप बाय हैंड दे देना मंडे को। मंडे मैम, मैम को नाइन, अगर बाय हैंड देनी है तो मैं भी मंडे को दे दूँ? जो लोग मंडे को देना चाह रहे हैं वो मंडे को चलो दे दो, उससे फिर डिले ना करना। मंडे को अगर मैं ना भी, तो वहां ऑफिस के अंदर रख जाना। ओके मैम, हम मुझे रख देंगे। अफनान की साथ वाला ऑफिस है, उसमें होते हैं ना, तो वहां पर आप रख जाना, वो फिर यस मंडे मैम, को। वहीं पे था फ्राइडे, वहां पे दो टीचर थे, उन्होंने कहा मैम यहाँ जा ही नहीं है फ्राइडे को। हाँ, फ्राइडे मेरा ऑफ होता है, आप फ्राइडे को आए होंगे। अच्छा, जी मैम, मैं कल ही आया था फ्राइडे को। एंटीवायरल ड्रग्स में बेसिकली आपको ये आना चाहिए कि ये ड्रग्स कहाँ पर, पूरा जो वायरस का साइकिल है, कि वो जब सेल के अंदर एंटर होता है, फिर उसके बाद वो अपनी अनकोटिंग करता है, वो पूरा साइकिल बताया हुआ है आपको। हर जगह पर उसके हर स्टेप में जो ड्रग है वो किस तरह रिएक्ट करती है, ठीक है, कौन सी ड्रग्स रिएक्ट करती है, ये आना चाहिए आपको। कभी भी ऐसा पैथोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी के रिस्पेक्ट से नहीं आएगा, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में एक सिनेरियो दिया होता है, पूछा होता है कौन सा वायरस है, ये जूस्टर वायरस है या हर्पीज है या HIV है, उस तरह का नहीं आएगा आपको। अगर सिनेरियो दिया गया है तो लिखा गया है कि इस पेशेंट को ये बीमारी होगी है, कि अगर इसको कोई
जेनिटली कोई मसला है या इसको कोई साइटोमेगालो वायरस से कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो लिखा होगा उस सिनेरियो में, फिर आपको ड्रग उसमें ऑप्शंस में ड्रग्स चूज करनी है। तो हमेशा फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट से पढ़ा करें कि ड्रग्स और उनके मैकेनिज्म, उनके एडवर्स इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स और यूजफुल वो क्यों है वो इसमें होना चाहिए। अच्छा, वायरस का जो सबसे बड़ा मसला है कि वायरस ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ये जो है खुद तो ग्रो नहीं कर सकता, रेप्लिकेट नहीं कर सकता सेल के आउटसाइड, इसको एक मैकेनिज्म मशीनरी चाहिए होती है जो ये होस्ट के अंदर जाता है और वहां से उसकी मशीनरी ले लेता है, उसके इंजाइम्स मेटाबॉलिक इंजाइम्स यूज करता है और उसके राइबोसोम्स यूज करता है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस की जाए। दे कैन नॉट मेक एनीथिंग ऑन देयर ओन, दे यूज द सेल्स मटीरियल टू बिल्ड देमसेल्स। एक सिनेरियो ऐसा आ सकता है कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कौन सा है, उसमें फंगस होगा, बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, तो वायरस जो है वो उसकी ऑप्शन होगी, करेक्ट। ठीक है, इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर है और पैरासाइट डिपेंड कर रहा है अपने होस्ट के ऊपर फॉर रेप्लिकेशन एंड फॉर ग्रोथ। ये एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है बैक्टीरिया जैसे होता है, या इसमें जैसे बैक्टीरिया वगैरह में डीएनए आरएनए दोनों होते हैं, इसमें एक चीज होगी या डीएनए होगा या आरएनए होगा, हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। ठीक है, आरएनए वायरस जो होते हैं वो ज्यादा जल्दी म्यूटेट हो जाते हैं, यानी वो जल्दी अपने आप को इम्यून सिस्टम से छुपा लेंगे। ठीक है, और जो डीएनए वायरस होते हैं ये डबल स्टैंडर्ड होंगे, फिर ये कि इनके ऊपर एक प्रोटीन कोटिंग होगी जिसे कैप्सिड कहेंगे, और वायरस को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है एनवेलप्ड और नॉन एनवेलप्ड वायरस के अंदर। ये जब अपने होस्ट के अंदर जाता है तो उसी की मेम्ब्रेन को अपने इर्द गिर्द सराउंड कर लेता है, एनवेलप्ड और नॉन एनवेलप्ड, ये फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है। जो कंप्लीट वायरस पार्टिकल होता है जिसको हम वेरियंस कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, डीएनए और आरएनए का स्पेसिफिक उसके वायरस के एंजाइम्स होंगे और उसके अंदर कैप्सिड होगा, एनवेलप होगा, ग्रीन वाला एनवेलप है, अंदर वाला कैप्सिड है और ये इसके स्ट्रैंड्स हैं। वायरस का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, वायरस जो होगा उसके अंदर ये बताया हुआ है कि जेनेटिक मटेरियल जो होगा न्यूक्लिक एसिड के अंदर या डीएनए होगा या आरएनए होगा, और अगर आरएनए है तो ऐसे वायरसेस जो कुछ वायरसेस होते हैं लाइक एचआईवी वायरस, वो क्या करता है कि आरएनए वायरस होता है, लेकिन जब वो बॉडी के अंदर किसी ह्यूमन बींग के जाता है तो वो डीएनए के साथ उस डीएनए को कन्वर्ट करता है, उसके पास एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, होना तो ये चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है कि डीएनए से आरएनए बनता है और ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है तो ये आरएनए को कन्वर्ट करता है डीएनए के अंदर। ये एचआईवी का एक और स्लाइड है, अगली प्रेजेंटेशन जो होगी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो स्लाइड है सारी एचआईवी से रिलेटेड है, तो एचआईवी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेम्ब्रेन इन्वेलप्ड एंड कैप्सिड अ लेयर ऑफ फैटी एसिड कोट्स में मेनी वायरसेस, इट इज यूजुअली ड्राइव फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल, लाइगेंड्स इसके ऊपर येलो ये जो आउट ग्रोथ हुई हुई है, प्रोटीन्स दैट स्टिक आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द वायरस उनको लाइगेंड्स कहेंगे, और ये जाकर फिर किसी भी देखेंगे कि किस चीज को इन्फेक्ट करना है, किस सेल्स को इन्फेक्ट करना है। ये दोनों का एक छोटी सी क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं कि डीएनए वायरस जो होगा इसके अंदर डीएनए जीनोम होगा, आरएनए में आरएनए जीनोम होगा, उसके एंजाइम डीएनए वाले के डीएनए पॉलीमरेज होंगे, आरएनए के आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा, और उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा जो उसको रिवर्स करेगा, आरएनए से डीएनए बनाएगा। इसकी एग्जाम्पल्स हर्पीस वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, एब्सटेन बार वायरस है, ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये आरएनए वायरस के, रुबेला वायरस, रुबेला वायरस मीजल्स करता है, डेंगी फीवर वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, एचआईवी वायरस, ये रेट्रो वायरस, एचआईवी वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। कोविड वो कोरोना वो आरएनए है, आरएनए वायरसेस जो होते हैं उनमें जो रेट्रो वायरस होता है वो वाला, और जो डीएनए वायरस होते हैं ये ज्यादातर लेटेंट फेज में चले जाते हैं, और आरएनए जो वायरसेस होते हैं वो जल्दी म्यूटेट कर जाते हैं, यानी जल्दी म्यूटेट हो जाते हैं, यानी वो अपने आप को जल्दी छुपा लेते हैं।
मैं भी अपनी लाइफ साइकिल के उसमें वो जो प्रॉपर्टी थी गैस वाटर की प्रोडक्टिव साइकिल है वो इसमें मतलब अगर हमें कोरोना वायरस लोगों को जैसे हो रहा है तो उसमें वो दोनों साइकिल कंप्लीट करता है। वो तो दूसरा था लाइफ साइकिल जो ह्यूमन बीइंग के अंदर है ना वो हम वो बैक्टीरिया के अंदर होता है, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर है। उसके बाद वो सिम्टम्स बताता है अपने, मतलब अगर आपको हुआ तो 15 डेज पहले फिफ्टी अगर आपको हुआ है और आपके सिम्टम्स हुए हैं तो यानी कि 15 डेज वो पीरियड होता है जिसमें आपने आइसोलेट होकर रहना, तो उसके बाद सिम्टम्स अपीयर होते हैं। 15 डेज लगते हैं उसको अपने सिम्टम्स देने के अंदर, और इसके लिए फिर वो इसलिए देखो कोई भी वायरस आएगा आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्टिवेट होगा, उसको किल करने की कोशिश करेगा, तो आप जो एंटीबॉडीज बन जाएंगी उसके अगेंस्ट उस वायरस के अगेंस्ट, अगर तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वायरस किल हो जाएगा, लेकिन वो जो फिर एंटीबॉडीज होंगे उसका टेस्ट करते हैं ना एलिसा टेस्ट देखने के लिए कि बंदे को एक्सपोज हुआ था इस वायरस से या नहीं, इंक्यूबेशन पीरियड है जिसमें वो वायरस जो है अपने सिम्टम्स जाहिर करता है। उसके बाद डेथ तो नहीं होगी क्या, आप वो सिम्टम्स दिखाएगा अपने, डेथ तो तब होगी जब इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट होगा, उसके बाद जब सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे फिर देखेंगे कि इसके अंदर ये एंटीबॉडीज अगर अगर तो वो फिर भी एक्टिव है। असल में दो टेस्ट करते हैं, एलिसा टेस्ट करते हैं, पीसीआर करते हैं। पीसीआर वो टेस्ट है कि जो उसके अंदर देखता है कि एक्टिव है अब या नहीं है, और एलिसा वो टेस्ट है जो देखता है कि बंदा एक्सपोज्ड हुआ था पास्ट में, हो सकता है सिम्टम लेस हो सकता है थोड़े से सिम्टम्स आए वो ठीक हो जाए तो वायरस खत्म हो गया उसके अंदर से, तो एंटीबॉडी इतना रिलायबल टेस्ट नहीं होता एलिसा जितना रिलायबल पीसीआर होता है, उसके अंदर उसका आरएनए देखते हैं कि ये अब एक्टिव फॉर्म में है या ये खत्म हो गया। लाइफ साइकिल ऑफ वायरस, इसमें अटैचमेंट ऑफ द वायरस टू रिसेप्टर्स ऑन द होस्ट सरफेस, फिर वायरस की एंट्री, फिर वायरस अनकोट हो जाएगा ठीक है, उसके बाद उसकी सेल के अंदर होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेशन होगी। रेप्लिकेशन में क्या करेगा वो अर्ली प्रोटीन्स बनाएगा, यानी न्यूक्लिक एसिड अपना बनाने के लिए आरएनए और डीएनए वो क्या करेगा वहां पर एंजाइम्स बनाएगा, ऐसे न्यूक्लिक एसिड सिंथेस एंजाइम्स। फिर उसके बाद लेट स्टेज में लेट प्रोटीन्स वो अपने स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाएगा, फिर वो सारे जो पार्टिकल्स होंगे स्ट्रक्चर्स वो कंपाइल होकर असेंबली होगी उनकी, और फिर वो वायरस की शक्ल बना के वो सेल से निकल जाएंगे। अब हर स्टेज के ऊपर अटैचमेंट होते हुए ड्रग्स जब उनकी सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन हो रही है तब भी उस पर ड्रग एक्ट करेंगी, और उसके बाद जब वो एंटर हो गया तब भी करेंगी, जब अनकोटिंग ना करे ये वायरस तब भी एक्ट करेंगी, फिर उसकी रेप्लिकेशन को रोकने की कोशिश करेंगी और असेंबली के वक्त रोकेंगी। हमें अंदर नहीं बॉडी के पता चला कि क्या हो रहा है ठीक है, अब हम जैसे हमने एड्स का पेशेंट है तो हमने उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस के, अगर ये सारी वो चीजें ना कि अगर एक पेशेंट है उसको ड्रग दी है ठीक है, अब वो अफेक्ट देखते हैं उसका अफेक्ट क्या निकला है। अच्छा अब ये ड्रग इतनी अच्छी नहीं इसके लिए वो इतना इफेक्टिव नहीं थी तो हम चेंज कर देंगे, 3-4 ड्रग्स का रेजिमेन देते हैं इकट्ठी देते हैं उसको। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको नहीं पता चलेगा, पहले पेशेंट के सिम्टम्स आएंगे, पहले तो ये होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एड्स का पेशेंट आ गया ठीक है, आपने हिस्ट्री ले ली वो आए गई तब जब आपका एड्स उसे हुआ हुआ होगा ठीक है, हालांकि उसे 8-9 साल पहले 5-6 साल पहले कोई सिम्टम्स आए होते हैं जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, फीवर होता है, वो लिथार्जिक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है ठीक है। अब वायरस जो है वो अपनी लेटेंसी फेज में चला गया, उसको पता ही नहीं था कि मुझे HIV का वायरस अटैक किया है, लेटेंट हो गया, लेटेंट में वो कुछ नहीं करेगा वायरस ठीक है, ना वो रेप्लिकेट करेगा ना वो कोई सिम्टम्स और साइंस दिखाएगा। फिर क्या होगा वायरस जब इम्यून सिस्टम उस बंदे का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, या कोई ऐसे फॉर एग्जांपल कोई भी वायरस है जैसे हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है, कोई ऐसी कंडीशन इन्वायरमेंटल आ गई है कि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो लो हो गया तो वायरस एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, वायरल लोड ज्यादा हो जाएगा उसके सेल्स के अंदर, और जिस सेल्स के ऊपर वो अटैक कर रहा था जैसे HIV में मैंने बताया था टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर अटैक करता है वो डाउन चले जाएंगे और वायरल लोड यानी वायरस रेप्लिकेट होकर अब ज्यादा बनना शुरू हो गया। अब उसके जो सिम्टम्स आएंगे वो मुख्तलिफ सिम्टम्स होंगे, अब उसको ये होगा कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन
यानी वो इन्फेक्शन जो दूसरों को कुछ नहीं कह रहे थे उनको वो भी सीवियर अटैक करेंगे, हर तरह से होगा, तो वो आखिरी स्टेज होगी जिसे एड्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस है उसका आगे, तो सिम्टम्स आते ही जब होंगे तभी हम उसके टेस्ट करवाएंगे, तभी वो बंदा बताएगा अपनी हिस्ट्री। तब तक वो वायरस का मसला ये होता है कि वायरस सेल के अंदर छुपा रहता है, ये सबसे बड़ा मसला है, और यही वजह बैक्टीरिया में ट्यूबरक्लोसिस का होता है कि वो भी अंदर सेल के अंदर जाकर बैठ जाता है और वो इम्यून सिस्टम जो है उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकता कि ये वायरस अंदर आ गया, वो पहचान नहीं पाता। वायरस अपने आप को इस तरह शो करता है कि मैं बॉडी का ही पार्ट हूँ, और जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तब वो एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, ये ड्रग्स हैं वायरल अटैचमेंट, यानी जब फ्यूजन हो रही है वायरस की सेल मेम्ब्रेन के साथ होस्ट की, तो क्या होगा कि उस वक्त ये वाली ड्रग्स, एचआईवी पेशेंट अगर है तो उसको, अच्छा एचआईवी में हम दो तीन ड्रग्स का कम्बिनेशन इसी वजह से देते हैं कि अब हमें तो नहीं पता कि वो किस स्टेज पर है उसका, लेकिन वायरल लोड देखते हैं, और इसके लिए दो मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, जैसे पहले लाइसा करवा लेंगे, पीसीआर करवा लेंगे, वेस्टर्न ब्लॉट एक टेस्ट होता है जो आइडियल टेस्ट होता है इसके लिए, तो उसके अंदर फिर पता चलता है कि अच्छा ये तो अगर वो पॉजिटिव आ गया वेस्टर्न ब्लॉट तो कन्फर्मेटरी टेस्ट हो गया कि ये पॉजिटिव है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा कि एनफ्यूवेडीन टाइड ये एचआईवी पेशेंट्स को दे देंगे, इसके अलावा मेरावीक रॉक ये एचआईवी पेशेंट्स को देंगे, डोकोसेनॉल ये आगे ड्रग है ये अगर हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस है उसको देंगे, और इसी तरह ये रेस्पिरेटरी सिनिक्शियल वायरस है तो उसके लिए ये देंगे, पेल्विज़ुमैब। इन सब का फंक्शन ये है कि ये फ्यूजन को रोक रही है। जब आप ये पढ़ेंगे तो आप एक काम करना कि अपने जब गूगल आउट कर लेना इनके, ये जैसे हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस क्या क्या कर रहा है, कुछ तो दिए हुए ही हैं, अगर कोई मिसिंग हुआ, क्योंकि ये माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन आपके लिए ताकि वो पिक्चर बनी रहे तो इसको थोड़ा सा गूगल कर लेना। फिर उसके बाद ये बताया हुआ है कि जब अनकोटिंग होती है तो इन्फ्लुएंजा वायरस में एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं दो, एमेंटाडीन और रिमेंटाडीन, ये दोनों देनी चाहिए ड्रग्स। उसके अलावा यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस होगी और लेट प्रोटीन सिंथेसिस होगी। लेट प्रोटीन को प्रोटीएस इनहिबिटर्स, प्रोटीएस इंजाइम्स हैं जो लेट प्रोटीन सिंथेसिस करें, उन इंजाइम्स को इनहिबिट जो करेंगे इनहिबिटर्स, ये एचआईवी पेशेंट में देते हैं। उसके अलावा ये एसाइक्लोवीर, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ये वाली एचआईवी पेशेंट्स में देते हैं। उसके यहाँ पर जो अब हम आगे पढ़ेंगे साइटोमेगैलो वायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, इनकी पढ़ेंगे। तो ये एक वो है, अच्छा, ब्लॉक बाय द न्यूरोमाइनिडेज, न्यूरोमाइनिडेज एंजाइम जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर होता है, और वो क्या करता है कि जब वायरस जो है वो रेप्लिकेट कर जाता है सेल के अंदर तो वो हेल्प आउट करता है न्यूरोमाइनिडेज उसको निकलने के लिए। तो हम जो है ऐसी ड्रग देंगे जो न्यूरोमाइनिडेज इनहिबिटर्स होंगे। अच्छा, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, कॉमन कोल्ड फ्लू वगैरह होता है, वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस ए वायरस होता है, वो खुद ही ठीक हो जाता है। वजह क्या होती है कि वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, इम्यून सिस्टम उनके अगेंस्ट खुद ही उनको, उनसे लड़के उनको ख़त्म कर देता है, उसके लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता। लेकिन कुछ होते हैं जो एग्रेसिव वायरस होते हैं, एग्रेसिव उनके लिए एग्रेसिव थेरेपी चाहिए होती है, जैसे एचआईवी, उसके लिए हम 3-4 ड्रग्स दे देते हैं उसके अंदर। कोविड के अंदर, कोविड जो है वो, अच्छा कोविड के अंदर ना बड़ा अजीब सा है कि अगर किसी पेशेंट को ये कुछ नहीं कहता और किसी को बहुत कुछ कह देता है। असल में कोविड खुद लीथल नहीं है, हमारा इम्यून सिस्टम जब एक नई चीज आती है ना तो वो इम्यून सिस्टम जो रिएक्शन शो करता है ना वो इतने सारे साइटोकाइंस रिलीज करता है, वो साइटोकाइन स्टॉर्म पूरा रिलीज कर देता है बॉडी के अंदर कि वो डिफरेंट जो है वो डैमेजेस शुरू कर देता है। आपको पता है कोविड नेगेटिव भी हो जाए तो बाज़ औक़ात पता चलता है हफ्ते बाद हार्ट अटैक हो गया, हफ्ते बाद वो बंदा मर गया। वजह क्या होती है कि वो आपके अंदर जो होते हैं ना ऑर्गेन्स उनको कमजोर कर जाता है, कहीं भी वो अपना वो कर सकता है। पहले ये भी थ्योरी बीच में कुछ लोगों ने की भी ये रिप्रोडक्टिव इनफर्टाइल कर देता है, मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी कर देता है।
अब वैक्सीन तो अब आई है डिफरेंट. हमने पहले सुना कि जी सरफेस के ऊपर होता है, फिर कहा नहीं ये रेस्पिरेटरी ही सिर्फ मोड ऑफ एक्शन है. लोगों ने बाहर से चीजें खानी बंद कर दी, हालांकि हर वायरस का अपना मोड ऑफ एक्शन होता है. कोई जैसे अगर स्टमक में पिलोराई वायरस होता है, एच पिलोरी, वो एग्जिस्ट कर जाता है. कोविड जो है उसके अंदर जो वायरस है कोरोना वायरस, वो तो आपके जो ये वायरस है ये तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू जा रहा है ना, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक और लंग्स को अफेक्ट कर रहा है. लंग्स के अंदर जो है वो फाइब्रोज कर देता है, यानी इरिवर्सिबल नहीं होता. जो डैमेज हो गया लंग वो डैमेज हो गया, फाइब्रोसिस कर देगा. और दूसरा ये कि अब ये भी कहते हैं कि कोविड की नई रिसर्च आ रही है कि जी कोविड जेनेटिकल इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि कुछ फैमिलीज में डेथ्स हो जाती है, कुछ में कुछ नहीं होता. तो कहते हैं कोई ऐसी जीन्स हैं जो कि कुछ फैमिलीज को ज्यादा, वो जीन्स होने की वजह से कोविड लोगों में ज्यादा असर दिखाते हैं अपनी. जो वैक्सीन है अगर वो हम लगाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन की से जो एंटीबॉडीज बनती हैं बॉडी के अंदर, कुछ लोग कहते हैं वो तो थोड़ी सी बनती हैं, कुछ लोग कहते हैं ज्यादा बनती हैं. तो कुछ लोग जो थोड़ी बनती हैं वो सोचते हैं कि हमने तो लगानी नहीं, इतनी थोड़ी सी बनी है, फायदा क्या होगा इसका. हालांकि हमारी बॉडी के अंदर एक टी सेल्स भी तो होते हैं, वो मेमोरी सेल्स. अगर वैक्सीन आपने लगाई है तो वो मेमोरी सेल्स भी तो बनते हैं उस वैक्सीन के अगेंस्ट. अगर आप टेस्ट करवा रहे हो इलाइजा टेस्ट, उसके अंदर वो नहीं आएंगी टी सेल्स, वो भी मेमोराइज टी सेल, जो मेमोरी सेल्स. जब दोबारा अटैक होगा तो बॉडी को याद रहेगा. फिर मसला कोविड का ये भी है कि एंटीजेनेसिटी वो जो वेरिएशन करता है कि वो उसके जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है, वो मसला उसका. एंटीजेनिक म्यूटेशन या एंटीजेनिक शिफ्टिंग कहते हैं उसे. अच्छा, वायरल रेप्लिकेशन, वायरस अटैच टू द सेल, उसके न्यूक्लिक, वही सारा बताया हुआ है. वायरस पेनिट्रेट करेगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर होस्ट की, वहां पर वो अनकोटिंग करेगा, उसका जो न्यूक्लियस मटेरियल होगा इधर डीएनए और आरएनए वो पियर हो जाएगा, न्यू वायरसेस बनेंगे, लेट प्रोटीन से स्ट्रक्चर्स, फिर वो असेंबल होंगे और बाहर निकल जाएंगे और फिर वो दूसरे सेल्स को डैमेज इसी तरह अफेक्ट करेंगे. आप लोग अपने किसी पेपर पर मुझे अटेंडेंस दे दो. आपके फिर डी बैच, ई बैच में नाम है ना, तो आपका ई में लगेगी ना. ठीक है. अच्छा, ये सारे जो वायरसेस हैं ये आप लोग के लिए इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये वायरस, ये इनको याद करना, ये माइक्रोबायोलॉजी में इसका वो है. लेकिन इसमें जैसे रेट्रो वायरस है तो पता होना चाहिए, एड्स का वायरस रेट्रो वायरस है कि वो आरएनए से डीएनए में पहले कन्वर्ट होता है. रेबडो वायरस, टोगा वायरस, ये रुबेला वायरस, ये हर इसकी फैमिली दी हुई है और फिर ये इसकी जो है वो एग्जाम्पल्स दी हुई है. पैरामिक्सियो वायरस, ये मिजल्स मिजल्स होंगे पैरामिक्सियो वायरस. एंटीवायरल ड्रग्स, वैक्सीन्स आर ऑफन यूज्ड टू बिल्ड अप इम्यूनिटी बिफोर अ वायरल इन्फेक्शन ऑकर. कॉमन वायरल इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा, मम्स, चिकन पॉक्स, ये क्या है, ये सेल्फ लिमिटिंग है, खुद इम्यून सिस्टम इनको हेल्प आउट कर लेता है. टू बी अफेक्टिव एंटी वायरल एजेंट्स मस्ट इधर ब्लॉक वायरल एंट्री इनटू, या वो वायरस को एंटर नहीं होने देगा या उसके एग्जिस्ट को ब्लॉक कर देगा कि वो एग्जिस्ट ना करे. अच्छा, फिर उसके बाद अब ड्रग्स क्या करती है, जेनेटिक मटीरियल को वायरस के अल्टर कर देगी, वो उसको मल्टीप्लाई नहीं होने देगी. जैसे एसाइक्लोवीर ड्रग है, इनहिबिट द वायरल एंजाइम्स होस्ट एक्सप्रेशन ऑफ वायरल प्रोटीन्स एंड असेंबली ऑफ वायरल प्रोटीन्स, उनकी असेंबली नहीं होने देगी. प्रिवेंटिंग न्यू वायरस फॉर्म फ्रॉम लीविंग द सेल, दैट इज एमेटाडीन, ये प्रिवेंट करती है वायरस को बाहर नहीं निकलने देती ताकि वो बाकी सेल्स को डैमेज ना करे. अब वायरस जब हमने कोई ड्रग दे दी है तो उस ड्रग को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. रैपिड रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, वायरस बहुत जल्दी से रेप्लिकेट करता है, बहुत जल्दी उसकी कॉपीज बनती हैं. ठीक है, तो अब जो ड्रग देंगे तो ड्रग इतनी जल्दी अफेक्ट ही नहीं करेगा, वायरस अपना काम कर चुका होगा. वायरसेस कैन रैपिडली म्यूटेट एंड ड्रग बिकम्स इनइफेक्टिव. अब वो म्यूटेट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो जल्दी चेंज हो जाती है, म्यूटेट हो जाती है. ठीक है, तो वो जल्दी अपने आप को चेंज कर लेता है. जैसे आपने देखा कि वायरस अभी कोविड आया हुआ तो कितने वेरिएंट्स हैं इसके, कुछ कह रहे हैं इंडियन डेल्टा वायरस आ गया जो सबसे स्ट्रांग इसका वेरिएंट है. अब हम वैक्सीन अगर बना भी देंगे, एक के अगेंस्ट हमने वैक्सीन बना ली, तो बाकी वेरिएंट्स पर वो इफेक्टिव कम होगी.
अच्छा, वायरस कैन रैपिडली म्यूटेट एंड ड्रग बिकम्स इनएफेक्टिव, डिफिकल्टी फॉर ड्रग टू फाइंड वायरस विदाउट इंजरी. अब जब वह सेल के अंदर को वायरस गया है तो अब ड्रग जब उसको ढूंढेगी उस वायरस को, तो उस सेल को भी डैमेज कर देगी. ठीक है, नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर्स ऑफ वायरस रेप्लिकेशन में इंटरफेयर विद द होस्ट सेल. सेलेक्टिव नहीं है, खास सेलेक्टिव होते जो खास टारगेट पर जाएगा, नॉन सेलेक्टिव होती है ड्रग्स. तो वायरस के जिस सेल को अंदर वायरस होगा वो सेल भी डैमेज हो चुका होगा. एंटीवायरल ड्रग्स शेयर द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ बींग वायरोस्टेटिक, दैट इज दे आर एक्टिव ओनली अगेंस्ट रेप्लिकेटिंग वायरस एंड डू नॉट अफेक्ट लेटेंट फेज. लेटेंसी फेज के अंदर क्योंकि साइन सिम्टम्स नहीं, एक तो ड्रग देंगे ही नहीं, दूसरा अगर ड्रग दे भी देते हैं तो वो लेटेंट है, छुपा हुआ है, तो उसमें हमें पता ही नहीं चलता. अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि MHC होती है, मेजर हिस्टोकंपैटिबल प्रोटीन्स होती हैं जो कि एक सेल के ऊपर होती हैं, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है उसके ऊपर वो प्रोटीन्स होती हैं, और वो प्रोटीन्स वायरस या बैक्टीरिया को बॉडी को दिखाती हैं कि ये वायरस आ गया है. अब बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, टी सेल्स आ जाएंगे वहां पर, नेचुरल किलर सेल्स आ जाएंगे, सारे सेल्स आकर उसको मारने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो अब क्या होता है, वायरस इतना चलाक होता है कि वो अपने आप को छुपाने के लिए उसके ऊपर ऐसी अपने ऊपर कोटिंग कर लेता है कि वो MHC उसको प्रेजेंट नहीं कर सकता, और ना बॉडी को पता चलता है कि वायरस आया हुआ है. वो मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स होते हैं उसके, जिनके थ्रू वो अपने आप को छुपा लेते हैं और बॉडी को पता ही नहीं चलता, वो उसको फौरन नहीं लेती और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता. और फिर कोई भी इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हो जाए अगर, या कोई स्ट्रेस सिचुएशन आ जाए, या कोई एनवायरमेंटल ऐसे फैक्टर्स आ जाए कि वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है. फिर फायदा वो तब उठाता है जब इम्यूनिटी उसको कुछ नहीं कह रही होती. अब ये ड्रग्स हैं जो वर्सिला जूस्टर वायरस और हर्पी सिंप्लेक्स वायरस के अगेंस्ट ये ड्रग्स हैं. इसकी एक ये है हर्पी सिंप्लेक्स टाइप 1 वायरस और टाइप 2, दो वायरस होते हैं. ये जो है कि वैसे मैंने स्लाइड इसमें डाल दी है, इसमें ये होता है कि हर्पी सिंप्लेक्स टाइप 1 जो है वो आपके ओरली इफेक्टिव होगी, ओरल जो है उस पर अटैक करेगी, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होगी सरफेसेस उनके ऊपर अटैक करेगी टाइप 1. टाइप 2 जो होगी वो जेनिटली अफेक्ट करेगी, मतलब जेनिटली ये वायरस अटैक उस जगह जाकर करेगा. टाइप 1 देखिए माउथ के अंदर करती है, टाइप 2 रेयरली माउथ के अंदर करती है. टाइप 1 जो होगी वो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस की दो टाइप्स ही हैं बात करें. टाइप 1 जो है वो आपके जो है वो केराटोकॉन्जेक्टिवाइटिस कर देती है, आईज के ऊपर अफेक्ट करती है क्योंकि यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस सरफेस होती है आई के अंदर. उसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एनसेफेलाइटिस टेम्पोरल लोब के ऊपर अफेक्ट करेगी. न्यूनेट्स में रेयर होती है. अच्छा, अब न्यू अब ये देखें यहाँ पे जो टाइप 2 है वो जितना भी हमारी बॉडी का ऊपर का जो पोर्शन है उसमें तो टाइप 1 अटैक करेगी, टाइप 2 जो कि बिलो वाला जितना होगा जेनिटल एरिया उसको अफेक्ट करेगी. माउथ के अंदर बहुत रेयर होती है ये, आईज के ऊपर इतना अफेक्ट नहीं होता, ये मिनिंजाइटिस काज करती है, मिनिंजीज पर इसका अफेक्ट होता है, ब्रेन के अंदर अफेक्ट होता है. स्किन लिजन एनसेफेलाइटिस डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन, ये ज्यादातर डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन ब्लड में करती है. अच्छा, ये बताइए हुए टाइप 1. अब ये ड्रग्स हैं जो हमने देनी है. इसमें ओरली हम एसाइक्लोवीर देते हैं, एसाइक्लोवीर ओरली भी देते हैं और इसको टॉपिकली भी ऊपर अप्लाई कर देते हैं और इंट्रावीनसली भी दे सकते हैं. बाकी जो है वेलासाइक्लोवीर है, फेमसी साइक्लोवीर है, और इसमें टॉपिकल के अंदर डोकोसेनॉल ये ड्रग है, ये आगे बताई हुई है, पेनसाइक्लोवीर है, और इंट्रावीनसली जो है वो एसाइक्लोवीर है, और ऑप्थेलमिक अगर आई के अंदर हो जाए केराटोकॉन्जेक्टिवाइटिस वगैरह तो उसमें ट्राइफ्लुरोडीन देते हैं. ये वही बताया हुआ टाइप 1 के अंदर ब्लिस्टर्स बनेंगे रेड किस्म के, शायद इसकी ये बताई हुई है. ये वो वर्सिला जूस्टर वायरस है, ये स्किन के ऊपर इसने अफेक्ट किया है. ये माउथ के ऊपर टाइप 1 हर्पी सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 है, और ये तब होता है पहले क्या होगा कि अटैक हुआ है और वायरस जब अपने लेटेंट फेज में चला जाता है, लेटेंट फेज में जाता है, और मेरे ख्याल में ये वाला होता है जो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन ब्रेन में जाकर ट्राइजेमिनल गैंग्लियन होते हैं उनके अंदर ये लेटेंट फेज में चला जाता है. हर वायरस की एक साइट होती है जहाँ पर वो लेटेंटली बैठा होता है. जब स्ट्रेस
फिजिकली या इमोशनली कोई बंदा स्ट्रेस में होगा या कोल्ड ठंड के वक्त अक्सर ये जो होते हैं ये हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 1 टाइप 1 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और वो सारे जो है वो सोर्स बना देती है। इसके लिए ये देंगे, ए साइक्लोवीर इफेक्टिव होती है, ड्रग है। इनकी यूजुअली इनकी ये वैक्सीन आई डोंट नो, मुझे लगता है वैक्सीनेशन तो होती है प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर पहले दे देते हैं, जैसे कोविड की हम वैक्सीन ले लेते हैं कि दोबारा कोविड ना हो जाए या कोविड होने। इनकी मेरे नहीं ख्याल है इनके ओरली एजेंट्स देते हैं, क्योंकि ये जो अक्सर ड्रग्स सब ड्रग्स की तो आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है। अब जैसे फीवर वगैरह के लिए आप वैक्सीनेट तो नहीं वो आपको पहले कर देते। कौन सी? फीवर के क्या होती है उनको? डस्ट एलर्जी, उसके लिए हाँ वो तो अलग चीज है। डस्ट एलर्जी के तो फिर पहले टेस्ट करवाते हैं ना उनके, उसमें देखते हैं कि कौन से कंटेंट से इनको एलर्जी हो रही है। उसमें आईजीई एंटीबॉडीज उसके जो बॉडी होती है उसके मास सेल्स होते हैं, मास सेल्स के अंदर आईजी हिस्टामिन रिलीज होती है। वो ये होता है कि मास सेल आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। एलर्जी क्यों होती है कि जो हम लोग नॉर्मल लोग हैं हमें नहीं हो रही, जैसे पोलन हमारे अंदर जा रहा है तो हमें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हमारे लिए वो हार्मलेस चीज है। कोई और बंदा होगा उसके लिए हार्मफुल चीज हो जाएगी, जो एलर्जी होगा जिसको हाइपर सेंसिटिव, वो भी हमारा इम्यून सिस्टम उसके एग्रेसिवली शो कर रहा है। जो चीज अंदर गई है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना दी है, वो एंटीबॉडीज मास सेल्स के ऊपर जाकर लग जाती है। फिर जब मास सेल्स जब दोबारा वही पोलन दोबारा जाएगा तो मास सेल्स ब्रस्ट कर जाएंगे, फट जाएंगे, हिस्टामिन रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए एंटी हिस्टामिन ड्रग्स वगैरह देते हैं उसमें। उसमें आप दे सकते हैं एड्रेनालिन देते हैं कुछ लोग, इस तरह सबक्यूटेनियसली इंट्रामस्कुलरली लगाते हैं। हाँ इनकी हो सकता है हो कोई इस तरह वैक्सीनेशन, बट ये ऐसी इतनी वो नहीं है कि हट जाएंगी फिर हो जाएगी। ठीक है ये सारे हैं, चिकन पॉक्स, हर्पीस, जूस्टर वायरस, ये शिंगर्स वो जो बॉडी ट्रंक होते हैं उस पर बनाते हैं, हर्पीस सिंप्लेक्स, एब्स्टेन बार वायरस। एब्स्टेन बार वायरस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस करता है, उसमें बंदे के लिए अगर ये जाता है एब्स्टेन बार वायरस बी सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है लेटेंट फेज में चला जाता है, और ये लिम्फेडिनोपैथी कर देते हैं, यानी जो हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं उनको इनलार्ज कर देते हैं, फीवर वगैरह होता है इससे। अच्छा इनको जो एसाइक्लोवीर इन सब में देंगे, और क्या होगा कि इंट्रावीनसली ओरली या टॉपिकली देंगे, और ये प्रेगनेंसी में भी यूज कर सकते हैं। वेल टॉलरेटेड है। एडवर्स इफेक्ट इसका क्या है, एसाइक्लोवीर का, कि रेनल फेलियर कर देगी। ये वर्सिला जूस्टर वायरस का दिखाया हुआ प्रेगनेंसी में। ओरोलेबियल हर्पीस जो आपके लिप के ऊपर सोर्स बन जाते हैं, ठीक है, सिमिलर टू एसाइक्लोवीर एप्लीकेशन साइट रिएक्शंस हो सकते हैं। ये ड्रग कौन सी थी, पेनसाइक्लोवीर देंगे, इसका मैकेनिज्म एसाइक्लोवीर की तरह का ही है। अच्छा फिर डोकोसेनॉल एक्टिव अगेंस्ट ए ब्रॉड रेंज ऑफ लिपिड एनवेलप वायरस, मोड ऑफ एक्शन इंटरफेयर विद द वायरल फ्यूजन टू होस्ट सेल्स, वायरस के और होस्ट सेल के दरमियान जो जा रहा था वायरस तो इंटरफेयर करेगी ड्रग। और हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस केराटो कंजक्टिवाइटिस जब आईज के अंदर हो जाता है तो इसके लिए हम ये देंगे ट्राई फ्लूरिडीन, यहाँ पर बताए हुए ट्राई फ्लूरिडीन ये वाले ऑप्थाल्मिक पर्पसेस के लिए दे रहे हैं। अच्छा इसमें और क्या है, ऑल्सो एक्टिव अगेंस्ट वैक्सीना वायरस, वैक्सीना वायरस जो स्मॉल पॉक्स करते हैं, स्मॉल पॉक्स अब यहाँ पर है नहीं इतना कॉमन नहीं रहा, स्मॉल पॉक्स खत्म हो गई। अच्छा हाँ स्मॉल पॉक्स वो चेचक चेचक के होते हैं, चिकन पॉक्स दूसरे, चिकन पॉक्स भी सेल्फ लिमिटिंग होता है, थोड़े दिन होते हैं खुद ही खत्म हो जाते हैं, उसका 14 डेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है मम्स वगैरह का चिकन पॉक्स का, और ये सीजनल होते हैं, खास सीजन में ज्यादा केसेस आते हैं।
अब मार्च अप्रैल में इन दिनों में ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं ना, जैसे कोल्ड सोर्स बनते हैं तो वो ज़्यादा ठंड आती है, स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, कोई पेशेंट को ट्रॉमा हो चुका है उस जगह पर, वहाँ पर वायरस चला गया। अच्छा, अब एजेंट्स यूज टू ट्रीट साइटोमेगालोवायरस, साइटोमेगालोवायरस की ये पिक्चर है। ये बेबी, ये बेसिकली क्या होता है कि ये मदर को अगर प्रेगनेंसी में साइटोमेगालोवायरस हो जाए तो वो थ्रू प्लेसेंटा जाता है, बेबी को इफेक्ट करता है, और उस वक्त जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है तो ये बेबी का जो है जो है उसके माइक्रोसिफेली कर देता है, वो बहुत बड़ा एक इसका वो है माइक्रोसिफेली, यानी उसका सर बच्चे का नॉर्मल हो जाता है, छोटा रह जाता है। ड्रग यूज कर सकते हैं क्योंकि ये वायरस से बचने के लिए, इसकी कॉम्प्लिकेशन हो ना कि वो अदर प्लेसेंट बच्चे को अफेक्ट ना करे। एजेंट्स यूज टू ट्रीट साइटोमेगालोवायरस, साइटोमेगालोवायरस जो ये भी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कर देता है, एब्सटेन वायरस बार वायरस की तरह, लिम्फेडिनोपैथी करेगा, फीवर करेगा, और इसके लिए ये ड्रग्स हैं गैन साइक्लोवीर, वेल गैन साइक्लोवीर, फॉस कर्नेट और साइडोफोवीर और फॉमीफेरिसिन। ये आपने ड्रग्स के तो रट्टे लगा देने हैं। इसके आप ज्यादातर देखा करें कौन सी ड्रग का यूजली कौन सी ड्रग है और वो ड्रग जो है उसका क्या इफेक्ट है, और उसका दूसरी ड्रग से अगर कोई यूनिक फीचर है तो वो फिर आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर। जैसे कि आपने वो उसमें दिया था असाइनमेंट में उसका वो चैप्टर भी है मेरे सल्फोनाइलमेंट के दो पोस्टर देते हैं प्रेजेंटर पे। हाँ, वो प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर देता है और वो हाइपोक्लाइसीमिया कॉज कर देता है फीटस। अभी आप लोग का तो अच्छा, सुबह वो कह रहे थे कि मैंने तो उनको कहा था कि ये सारा आप कर लें। ये क्यों आ रहा है इसके अंदर, ये किसी को पता है? मेरे लिए ना ये करना जो है बहुत मुश्किल है, क्लास खत्म होने वाली है, शायद वो ये रिमाइंड करवा रहे हैं। yes. 6:15 तक होती है बस, 20 मिनट रह गए। अच्छा, साइटोमेगालोवायरस जो है ये बेसिकली जब ट्रांसप्लांट होता है तभी इसकी ज्यादा कोशिश होती है, तभी आ सकता है, उसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन को अफेक्ट कर सकता है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को। जो प्रेगनेंसी होती है ये इसमें जो होती है इम्यूनिटी काफ़ी लो हो चुकी होती है प्रेगनेंसी में भी, तो इसलिए उस वक्त, और अगर फॉर एग्जांपल अगर उस वक्त कोई मीजल्स वगैरह किसी को हुए हुए हैं तो प्रेग्नेंट वुमेन को कोशिश करनी चाहिए कि उससे दूर रहे, वो जल्दी इफेक्ट करते हैं। और आपको पता है इनकी कॉम्प्लिकेशन है इनकी के ब्लाइंडनेस बच्चे के अंदर कर देती है ये वायरस जो है, तो इस वजह से उस वक्त खास तौर पर क्योंकि उसकी इम्यूनिटी लो ही भी होती है। अब ये बताया हुआ है कि इन एंड ऑर्गेन डिजीजेस फॉर एग्जांपल रेटिनाइटिस, कोलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ कोलोन, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन लाइक मोनोन्यूक्लियोसिस और हेपेटाइटिस ऑकर इन एडवांस्ड इम्यूनो सप्रेशन। जब भी कोई ऐसा सिनेरियो आता है कि जिसमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, उसकी इम्यूनिटी खत्म हो गई है, उसे साइटोमेगालो वायरस हो गया है, तो फिर आपने फिर उसमें जो अगर कोई ड्रग्स दी हुई है कि ये कौन सी ड्रग यूज करेंगे, उसमें बेशुमार ड्रग्स दी हुई है और उसमें फिर ऑप्शन में ये इनमें से कोई दी हुई है तो आपने देख लेने के ये होगा जो साइटोमेगालो वायरस की ड्रग्स है। अच्छा, अब इसमें पहले है गैन साइक्लोवीर, इसकी एक प्रो ड्रग इनएक्टिव फॉर्म है वेल गैन साइक्लोवीर। मैकेनिज्म लाइक ए साइक्लोवीर, मैकेनिज्म इसका बताया हुआ है कि ए साइक्लोवीर का भी यही मैकेनिज्म है, इनहिबिशन ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरल डीएनए बाय इनहिबिटिंग वायरल डीएनए पॉलीमरेज, जो उसका एंजाइम है जो वायरस की डीएनए की रेप्लिकेशन करता है उसको इनहिबिट कर रहा है। ये हर्पीस वायरस के अगेंस्ट और साइटोमेगालो वायरस के अगेंस्ट दोनों ये ए साइक्लोवीर गैन साइक्लोवीर इफेक्टिव है। लो ओरल बायोअवेलेबिलिटी है गिवन इंट्रावीनसली, मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ये कि जितने बोन मैरो सप्रेशन, जितने भी बोन मैरो के अंदर सेल्स बनते हैं, बोन मैरो के अंदर प्लेटलेट्स बनते हैं, उनको कम कर देती है, जैसे ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। ल्यूकोपीनिया वाइट ब्लड सेल्स को कम करती है, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया प्लेटलेट्स को कम करती है।
एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट करेगी, हेडेक करेगी, साइकोसिस, कन्वल्जन्स कर देगी. और 1/3 ऑफ द पेशेंट्स को इसकी वजह से, इनके साइड इफेक्ट्स की वजह से ड्रग जो है छोड़नी पड़ती है. अब जो ये ड्रग है फॉस्कोनेट, फॉस्कोनेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फोरिलेटेड एनालॉग डज नॉट हैव टू बी फॉस्फोरिलेटेड. जब कोई ड्रग एक्टिवेट होती है तो मोनोफॉस्फेट से वो पहले डाइफॉस्फेट बनाती है, डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बनाती है, और जब मोनो से वो डाई में कन्वर्ट करती है तो उस वक्त वो ह्यूमन बींग जो ह्यूमन होस्ट होता है उसका काइनेज एंजाइम यूज करती है फॉस्फेट. जब ट्राइफॉस्फेट के बना लेती है वो ड्रग, फिर वो एक्टिव हो जाती है. फिर या तो वो डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर देगी या डीएनए को जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होने देगी, वायरल डीएनए की. तो अब ये वही बात कह रहे हैं कि इसमें ये जो फॉस्फोनेट है इसको डज नॉट हैव टू बी फॉस्फोरिलेटेड, इसको फॉस्फोरिलेशन की जरूरत नहीं है. एक्टिव अगेंस्ट हर्पीज 1, 2, वर्सीला, साइटोमेगालो वायरस और ऐसी जगह जहाँ ए साइक्लोवीर बॉडी जो रेजिस्टेंट हो, होस्ट रेजिस्टेंट हो, यानी कि कोई अफेक्ट ही नहीं हो रहा ए साइक्लोवीर का और गैन साइक्लोवीर का, वहां पर ये वाली ड्रग फिर प्रेफर करते हैं. इंट्रावेनसली दे रहे हैं, डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इन दोनों एंजाइम को ये इनहिबिट करती है. अफेक्ट इसके क्या है, साइड इफेक्ट्स नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज और सीएनएस टॉक्सिसिटी. अच्छा, इस ड्रग को जो है वो प्रेगनेंसी में देते हैं तो प्रेगनेंसी में ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट हमें नजर आते हैं. फॉस्कोनेट शुड ओनली बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन बेनिफिट्स ओवर वेट्स रिस्क, जब ये रिस्क कम हो जाते हैं फिर उस वक्त. अच्छा, ये ड्रग है साइडोफोवीर इनकॉर्पोरेशन इनटू वायरल डीएनए चेन रिजल्टिंग इन रिडक्शंस ऑफ द रेट ऑफ वायरल डीएनए सिंथेसिस. वो ये डीएनए की सिंथेसिस, वायरल डीएनए की, वायरस को अपना डीएनए नहीं बना रहे दे रही. नेफ्रोटॉक्सिसिटी करेंगे, हाई डोज किसके साथ देंगे, प्रोबेंसाइट के साथ देंगे, प्रोबेंसाइट या सीट जो भी पढ़ लें. प्रोबेंसाइट का ये फायदा, ये ड्रग जो है प्रोबेंसाइट ये गाउट के अंदर देते हैं, गाउट ये जब यूरिक एसिड ज्यादा हो जाए, हाँ उसमें देते हैं ये, तो ये इसके साथ मिला के देंगे ताकि नेफ्रोटॉक्सिसिटी को अवॉइड किया जाए. बस ये दो चार रह गई हैं, कितनी असल मैंने सुबह ही सारी पढ़ा दी है. ये सिंपल ही लिखा हुआ है कि हेपेटाइटिस ए जो है वो सेल्फ लिमिटिंग है. आप थक गई हो वहां जाकर? हाँ, आप क्या थक गई हो? आप हॉस्पिटल भी गई हो ना, आप बता रही हो तो वहां थक. अच्छा, ये हेपेटाइटिस ए जो है ये अल्कोहल, जब हेपेटाइटिस ए हो तो पेशेंट को, ये सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ही ठीक हो जाएगा, इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट कोप कर लेगा उस वायरस के अगेंस्ट. और जो लोग हैं उनको जब हेपेटाइटिस ए वायरस हो तो उस वक्त जो है वो उनको जो है वो ऐसी ड्रग्स जो कि लीवर पर अफेक्ट करती हैं वो और अल्कोहल वगैरह को अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, हेपेटाइटिस बी का लिखा है कि इनिशियली इतनी ज़रूरत नहीं होती एंटी वायरल ड्रग्स की, लेकिन जब एग्रेसिव होगा और जब लीवर फेलियर एकदम से हो जाए उसको हम कहते हैं फल्मिनेंट हेपेटाइटिस, उसमें जो है इसको फौरन देना चाहिए, इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए. अल्फा इंटरफेरॉन्स हम देते हैं उनको पेशेंट्स को, ये अल्फा इंटरफेरॉन्स जो है नेचुरली बॉडी भी प्रिपेयर करती है. अल्फा इंटरफेरॉन जो है अल्फा और बीटा इंटरफेरॉन सेल्स बनाते हैं. जब वायरस नजर आते हैं ना बॉडी को कि वायरस आ गया, तो फिर क्या होगा कि जो सेल्स आते हैं उसको मारने के लिए अल्फा और बीटा इंटरफेरॉन्स बनाते हैं. अभी क्यों वायरस चला गया तो हमें ये अल्फा इंटरफेरॉन्स हम सिंथेटिकली भी देते हैं. उसके अलावा पेगाइलेटेड अल्फा इंटरफेरॉन्स, ये एक नई किस्म के जो है ये मॉडिफाइड इंटरफेरॉन्स है, ये दे देते हैं उनको. और ये एक ड्रग है लेमिब्यूडीन ड्रग, ये देते हैं. क्या करवाएगा समझ नहीं कि ये ड्रग्स बॉडी में एक्टिव होगी अगर वायरस म्यूटेट नहीं होगा तो हेपेटाइटिस के पेशेंट के हम टेस्ट करेंगे, अगर उसमें पॉजिटिव आ जाता है ठीक है तो हम ये ड्रग्स उसको रिकमेंड कर देंगे. ठीक है, हेपेटाइटिस बी की हिस्ट्री वो देगा, फॉर एग्जांपल उसे कोई पिन प्रिक हुआ था
कोई नीडल उसको प्रिक होगी अचानक, तो फौरन जाकर उसका कुछ टाइम टिन्योर होता है जब वो ब्लड के अंदर वो वायरस अपीयर होता है। इसका अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा हो, तो मुझे काफ़ी दिन हो गए वो माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़े हुए, तो हेपेटाइटिस बी जब आता है तो उसके बाद पहले उसका एंटीजेनिक एक एंटीजन आता है, फिर उसके बाद एंटीबॉडीज बनती हैं, फिर वो हेपेटाइटिस बी इसका एक वो था, वो मैं चार्ट अगली दफ़ा आपको दिखा दूंगी अगर आप कहते हैं, या पढ़ के आपको बता दूंगी। तो एंटीजन फिर डिसअपियर हो जाता है, फिर उसका एक विंडो फेज होता है जिसमें, तो उसके मुख्तलिफ फेजेस होते हैं, हमें वेट करना होता है कि जो कह रहा है कि मेरे पिन प्रिक हो गया, मुझे शुबा है कि जिसको फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल नर्स थी, अब उसने जिस पेशेंट को लगाई है वो हो सकता है वो अब वो दिखाना चाह रही कि पता नहीं हेपेटाइटिस का पेशेंट ना हो, तो हम थोड़े दिन उसको कहते हैं वेट करें, जब एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर आएंगे तब उसका टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। वो उसके लिए भी इलाइजा टेस्ट होता है, बाकायदा किट्स होती हैं इलाइजा की, वो किट्स आती हैं, उनके ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसके अंदर से हम वो एक लॉन्ग प्रोसीजर है, उसके अंदर से सेंट्रीफ्यूज एक मशीन में डालते हैं, सीरम अलग करते हैं, और वो उसके अंदर उनकी एंटीबॉडीज अपीयर होती हैं। तो जब ये हो जाए तो फिर उसका पीसीआर भी करवाते हैं कंफर्म करने के लिए कि इसको है वाकई में, और फिर जब पीसीआर करवाते हैं फिर उसके बाद हम उसको ये यू नो फिर वो अपना जो है वो फिर उसको लेकर आते हैं। उसमें इंटरफेरॉन्स जो है बहुत इफेक्टिव है। A family of small antiviral protein produced as early response of host body to viral infections, currently grouped into interferon alpha, beta, gamma. Gamma interferons ज़्यादातर TB patients में produce होते हैं, और इसका ज़्यादा जो है वो bacteria के साथ होता है, mycobacterium tuberculosis उसमें produce होते हैं। Alpha and beta are produced by all body cells in response to various stimuli, virus, bacteria, parasite, tumor cells. Gamma produced by T lymphocytes and natural killer cells has less antiviral activity. Gamma की इतनी इसमें role नहीं होता। अच्छा, ये जो है intralesionally, subcutaneously, intravenously देंगे, और ये सारी body के parts में जाएगा, सिवाय CNS के अंदर, central nervous system और eye के अंदर। Pegylated interferons are modified interferons. इसमें जो है वो पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल होता है, वो इंटरफेरॉन्स के साथ बाउंड कर जाता है, कोवेलेंटली चीज है, लेकिन इसके अब आजकल जरा साइड इफेक्ट्स ज्यादा आए तो इसलिए इसको रिकमेंड नहीं किया जा रहा। इंटरफेरॉन अल्फा बाइंडिंग टू द मेम्ब्रेन रिसेप्टर ऑन सेल सरफेस, अभी इसका मैकेनिज्म बताया हुआ है, इंडक्शन होस्ट सेल्स एंजाइम दैट इनहिबिट वायरल, ऐसे एंजाइम्स इंड्यूस्ड करवाएगी जो कि वायरल आरएनए को उसकी ट्रांसलेशन नहीं होने दे रही, यानी वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देगी, और वो जो मैसेंजर आरएनए आता था पहले, प्री मैसेंजर आरएनए बनता था, उससे प्रोटीन्स बनती थी, ये उन मैसेंजर आरएनए की डिग्रेडेशन कर देगी और ट्रांसपोर्ट आरएनए वगैरह इनको अफेक्ट करेगी। मे आल्सो इनहिबिट वायरल पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, वो सारे स्टेप्स जो उनको ये अफेक्ट कर रही है असेंबली के अंदर रिलीज होने में। फिर उसके बाद क्या होता है, ये इंटरफेरॉन अल्फा का एक और फायदा ये कि ये फेगोसेटिक एक्टिविटी जो है, मैक्रोफेज वो सेल्स हैं जिनको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं, मैक्रोफेज, बी सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, लैंगरहैंस सेल्स, तो ये मैक्रोफेज जो है अपने अंदर जब कोई बैक्टीरिया कोई वायरस अपने अंदर लेती है तो मैक्रोफेज खुद भी कोशिश करती है कि वायरस किल हो जाए, तो ये जो सारे ये फेगोसेटिक एक्टिविटी है उसकी जो इनगल्फ करने की एक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है कि वो ज्यादा बैक्टीरिया ज्यादा मैक्रोफेज जो उसकी कैपेसिटी के साथ उसको इंगल्स करे और किलिंग करने की कोशिश करे। ऑगमेंटेशन ऑफ द पेरी प्रोलिफरेशन एंड अच्छा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं जो आकर वायरस के ऊपर सबसे पहले अटैक करते हैं, उनकी ज्यादा कॉपीज प्रोलिफरेशन करती है, उनको सर्वाइवल के टी सेल्स बचे रहे ताकि आकर किलिंग करें उसकी वायरस की, वायरस हो गया फंगस हो गया इसमें टी सेल्स का बड़ा रोल है। ये सारे इनके क्लिनिकल यूजेस है, इंटरफेरॉन्स जो है बी और सी दोनों में यूज कर रहे हैं, हर्पीस वायरस में, इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर, मेलिग्नेंट मेलिनोमा, प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं हमारे, हाँ उनका ट्यूमर होता है ये मेलिनोमा, लिम्फोमास, ल्यूकीमियाज, व्हाइट ब्लड सेल्स का, लिम्फोमास बी सेल्स का ट्यूमर होता है, बी सेल्स ज्यादा उसमें हो जाते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और लिम्फोमा इसके आगे टाइप्स होती हैं हॉजकिन, नॉन हॉजकिन, एड्स रिलेटेड जो कार्सिनोमा होता है वह कपोसी सार्कोमा होता है कैंसर, ठीक है। अगर कभी एमसीक्यू आ जाए कि एड्स रिलेटेड कौन सा, उसमें बहुत सारी ऑप्शंस है, तो कपोसी सार्कोमा होते बाकी भी हैं लेकिन ये इसकी खास है इसमें।
सबसे पहले ये ऑप्शन जो है सबसे ठीक है जी। लास्ट कितनी स्लाइड्स रहेगी? अच्छा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड हेपेटिक फेलियर ऑटो इम्यून डिजीजेस कर सकता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस में नहीं देना चाहिए। उसके अलावा हेपेटिक फेलियर जब लीवर डैमेज ऑलरेडी उसमें नहीं देना चाहिए, प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। साइड इफेक्ट्स इसके फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, न्यूरोटॉक्सिसिटी होगी, माइलोसप्रेशन, न्यूट्रोपिनिया, न्यूट्रोफिल काउंट्स कम कर देगा, हेपेटिक एंजाइम्स जो लीवर एंजाइम्स है उनको ज्यादा कर देगा और माइल्ड हेयर लॉस कर देगा। ये अब इसमें बी का बताया हुआ है। चार स्लाइड्स रह गई। अच्छा, ये सारा वही बताया हुआ है कि जो बी है उसको कैसे अफेक्ट करता है, कि इनहिबिट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसको अफेक्ट करता है, जो चेन चली आ रही होती है उसको खत्म कर देता है, इनकॉर्पोरेट कर देता है वायरल डीएनए के अंदर। ठीक है, ये जो ये सारी वो ड्रग्स हैं जो कि हेपेटाइटिस बी पेशेंट को दी जाती है। मिड में सुबह दोनों का यहाँ तक है। अब आप लोग अगर कम करेंगे, मैंने उनको कहा था कि वायरस की सारी एक और वो एचआईवी और इन्फ्लुएंजा वो दूसरे उसमें लेक्चर में था तो वो भी शामिल कर लिया, उनका नहीं नहीं बस यहाँ तक। अब अगर आप इतना सपोर्ट इतना पता है क्या, फिर मैं कहाँ से एमसीक्यूज बनाऊंगी अभी आप लोग। तो आप तो कैसे पता नहीं, मुझे उन्होंने कहा कि जी हमें स्लाइड्स थोड़ी पढ़ाई जाती हैं, आप लोग ही कहते हैं मतलब शायद ए बैच ने भी कहा है और ई बैच ने भी कहा है। मुझे उन्होंने 26 लेक्चर दिए और कुछ उन्होंने बीच में है ही नहीं। अब मुझे ये हो गया कि वो अच्छा तो अब मुझे जो स्लाइड्स दी जाती है अब मैंने करनी शुरू कर दी है। वो डॉक्टर अस्मा कोई थी उनके लेक्चर से, मैंने कहा मैं डॉक्टर अस्मा से मिलूं, उनका तो अब जा चुकी है यहाँ से, शायद जा गई ही नहीं, मुझे कहा गया कि अब नहीं मिल सकते आप उनसे, वो है नहीं यहाँ, चली गई है। तो उनकी मुझे स्लाइड इस लिहाज से अच्छी लगती थी कि उन्होंने हर चीज बताई हुई, मेरे पास वो स्लाइड उसके बाद आई नहीं, उसके बाद डॉक्टर कुलम की आ गई। देखिए इसमें भी बहुत सारी मैं कोशिश करती हूँ स्लाइड्स काट दूँ, जो रिपीटिशन हो रहा है वो काट दूँ। अब आप लोगों ने जो पढ़ना है वो पढ़ने के लिए कोशिश करें, कि अपने जो है ये ड्रग्स के नाम बहुत मुश्किल होते हैं तो शुरू कर लें इनको पढ़ना। अब आपको 2 हफ्ते मिल गए। किस चीज का अभी ये 9 फिर कोर्स रह जाए। ये ड्रग बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हेपेटाइटिस सी के अंदर देते हैं और इंटरफेरॉन्स के साथ देते हैं इस ड्रग को। ठीक है, और ये देख लें इसके एडवर्स इफेक्ट। अब ये 2 स्लाइड्स जो रह गई ये आप फिर देख लीजिएगा। क्रॉनिक वायरल, ये भी वो इंटरफेरॉन अल्फा दोनों में देते हैं, बी और सी दोनों में देते हैं। पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा और रिबावायरिन, ये ड्रग जो ये रिबावायरिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। और इसके एडवर्स इफेक्ट इसके ये भी वो इनहिबिट कर रही है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी क्या था, आरएनए था या डीएनए था? आरएनए था, तो उसके अंदर आरएनए डिपेंडेंट आरएनए होगा ना पॉलीमरेज, तो ये उसके ऊपर उसको इनहिबिट करेगी। ठीक है, बाकी जो हेपेटाइटिस बी था वो है था डीएनए, ए और सी जो है वह आरएनए। इस तरह एक डी होता है हेपेटाइटिस डी, वो भी डीएनए होता है वायरस। बी और डी जो है ना को एग्जिस्ट करते हैं इकट्ठा, एक डी वायरस होता है और बी वायरस वो को एग्जिस्ट करते हैं। उसको आप गूगल करें कि क्यों को एग्जिस्ट करते हैं, किसी को मिले तो फिर मुझे बताए। जिसको डी है उसको बी भी होगा। कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना हो? वो सारे सो गए हैं। आप लोग को वैसे इस तरह जागते रहते हो या ऑनलाइन? हाँ, कोई बोलते ही नहीं है, मैं फिर शायद आवाज नहीं जाती।
अच्छा मुझे ना कोई लेक्चर अपने सीनियर्स आपके रुक गए होंगे उनमें से भी कंफर्म करके बताया, मेरे थे इसके लेक्चर्स 20 थे। 20 हां टोटल कितने लेक्चर्स हैं जो आपको मिले हैं पढ़ाने के लिए? 20 मैम तो फिर मिड में आप 10 कर देना। 10 से भी कम कर लेंगे मैम, जो हालात है ना 4-5 ही ठीक हैं। बहुत अच्छी बात की है। अच्छा मेरी बात सुने, अगर आप लोगों ने ट्रांसप्लांटेशन वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स तक देने हैं टेस्ट ये मिड टर्म, तो फिर एक और टेस्ट जो क्विज या कोई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वो आफ्टर द मिड। मैम जो क्विज वाले हैं वो निकाल देना, उन लोगों को रहने दे, आगे वाले हम लोगों को जो है वो मिड पे दे दें, और जो मिड वाले होंगे वो फाइनल से निकाल लीजिएगा। मैंने ना ए बैच कर दी थी कि वो ना प्रेजेंटेशंस आकर ऑनलाइन दें ताकि सबकी रिवाइज हो जाए चीजें। मैम प्रेजेंटेशन तो हम लोगों को ऑनलाइन भी जाएगा, अगर आप ऑन कैंपस गएंगे तो तब भी हो जाएगा कि हम लोगों की चीजें रिवाइज हो जाएंगी। वो मैंने ये कहा था कि जिनका पहला क्विज अच्छा नहीं हुआ था, ठीक है, जिनको कोई मसला आया था या जो चाह रहे हैं कि मैं इम्प्रूवमेंट कर लूं अपने मार्क्स में, उनके लिए मैंने कहा था कि उनका जब वाइवा होगा, वाइवा भी तो होते हैं ना, तो उसकी परसेंटेज उसमें लगा देंगे, ठीक है, या फिर वो कोई और ऑप्शन अगर चाह रहे हैं तो वो बता दें। दूसरी बात ये कि अगर आप अब इम्यूनो ट्रांसप्लांट तक करेंगे तो आपके पास जब आखिर में बहुत बर्डन हो जाएगा। मैम जो हो जाएंगे ना फिर उनको रहने दीजिएगा ना, फिर हम लोगों का वो तो हो जाएगा जो हम लोगों का आगे होगा। फाइनल और मिड को डिवाइड कर दीजिए ना मैम। यस मैम। फाइनल और मिड को डिवाइड कर दें मैम। लेक्चर डिवाइड हो जाएंगे तो हम लोगों का वो इजीली प्रिपेयर भी हो जाएंगे और अच्छे भी प्रिपेयर हो जाएंगे। इस तरह क्या कह रहे हैं आप कि कोर्स कर्म करूं या वो जो पहले क्विज में आ चुका है वो ना लूं? मैम मैं वही कह रहा हूं ना कि जो क्विज में आ गया ना मतलब उनको मिड में रहने दे, क्योंकि क्विज वाले तो हमारे रेडी हो गए हैं, तो मिड का हम लोग ले लें और जो मिड में हो जाएंगे उस तरह हमारे जो थोड़ा थोड़ा करके ना असेसमेंट लेते रहे, इस तरह अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आपके ये ना हो कि मेरे पास तो 10 मिड में हो जाएंगे, अगले वाले 10 जब फाइनल में रख दीजिएगा। 5 तो हो चुके हैं फिर आपके 10 8 दो 3 लेक्चर्स 15 लेक्चर्स है ना मैम, तो आप 10 या 11 जो मतलब 5 से ऑनवर्ड जो है 5-6 लेक्चर वो मिड में रख दें और जिससे जो ऑनवर्ड होंगे वो फाइनल में रख दीजिएगा। मैं आपका क्विज वाला निकाल देती हूँ, तो उसके बाद एक डायबिटीज रह गया, ठीक है, थायराइड क्विज में आया था वो भी निकल गया, डायबिटीज रह गया, ट्रांस इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, उसके अलावा स्टीरॉइड्स पढ़ाए थे हार्मोन्स में वो जो थे सेक्स हार्मोन्स और वो। पांच रखने का फायदा ये होगा कि उसमें से अगर कोई चीज एमसीक्यू आएगी तो वो तो आती होगी। यस मैम वही ना, मैं लोगों की तैयारी भी इतना अच्छी हो जाएगी। ट्रांसप्लांटेशन तक लूंगी वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जो है, ठीक है, लेकिन ये जब मैं पढ़ाई जा रही हूँ आगे, ये जब आपके मिड खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपने मुझे खुद डिसाइड करनी है डेट, उसमें जो वाइवाज होंगे या तो वो इनसे रख लें सिर्फ इन वाले सब्जेक्ट टॉपिक से, या फिर कोई क्विज या असाइनमेंट जो है मैम वो फिर हम लोग मिड के बाद डिसाइड कर लेंगे ना, वो जब हम लोगों की टोटल ऑन कैंपस क्लास होगी। हम लोग के मिड के बाद क्या होते हैं वाइवास? मैम हम लोगों के बड़ी ईद के बाद ही आएंगे वाइवास। मैं पहले प्रैक्टिकल होंगे उसके बाद वाइवास। तो फार्मा के प्रैक्टिकल होते हैं आपके? फार्मा के अंदर प्रैक्टिकल, एक वो फार्मा के अंदर एक ही करवाते हैं, उसमें जो है ना वो देखते हैं रैबिट लेकर ना उसके आई के अंदर वो डालते हैं, रैबिट के आई के अंदर वो नहीं था वो प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्शन प्यूपल डायलेशन वाली ड्रग्स एट्रोपीन पाइलोकार्पीन को डालते हैं, वो वन वालों के ना वो वाले प्रैक्टिकल होते हैं फार्मा में। फार्मा में तो प्रैक्टिकल। अच्छा उसमें करवाएंगे क्या रैबिट वाला? वो आपने पीछे चले गए फार्मा वन वालों को वो कर वो आप लोग नहीं।